आज हम बनाएंगे पेठे की सब्जी जो कि पूरी और कचौड़ी के साथ अच्छी लगती है, तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए हमने लिया है पेठा, इसे अच्छी तरह से धो लें और फिर ये काट लें। हम इसमें से आधे से थोड़ा ज़्यादा बनाएंगे, आपको जितनी ज़रूरत है उतना बना लें 500 ग्राम के लगभग, और इन्हें इस तरह से पीसीज में काट लेंगे। छिलका हमने इसका इसलिए नहीं उतारा क्योंकि छिलका कच्चा था, और हमने बीज भी डाल दिए हैं क्योंकि बीज भी इसके कच्चे थे। अगर बीज पके हुए हैं तो आप ना डालें, अगर आपको कच्चे भी नहीं डालने तो आप स्किप कर सकते हैं। हमने इसमें 2-3 हरी मिर्च काट ली हैं और ये हमने अदरक भी काट लिया है। छील कर इसे बारीक बारीक पीसीज में काट लें, इस तरह से काट लिया है। हमने गैस पर कुकर रखा है, इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे 1/2 चम्मच, मेथी के दाने, थोड़ा सा हींग, और अदरक और हरी मिर्च को हम इसी में डाल देंगे। हल्का सा चलाएंगे और इसी में मसाले डाल देंगे, हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर डालकर चलाकर इसमें हम जो हमने पेठा काटा है उसको इसी में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी थोड़ा ही डालें क्योंकि पेठा भी पानी छोड़ता है, और इसे हम ढक्कन लगाकर दो सीटी आने तक इसको हम गैस पर रखेंगे। गैस शुरू में तेज कर दें, फिर स्लो कर लें, और ये 2 सीटी आ गई हैं। इस तरह से ये गल गया है अच्छी तरह से, वैसे तो एक में ही हो जाता है, थोड़ा सा मंदा कर दें। और ये थोड़ा सा पानी रह गया है, इसको हम जला लेंगे। जब ये थोड़ा सूख जाएगा पानी, तो हम इसमें इस तरह से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे जिससे कि ये घुट जाए, और फिर हम इसमें थोड़ी सी चीनी डाल देंगे क्योंकि ये थोड़ा मीठा ही अच्छा लगता है, खट्टा मीठा, तो थोड़ी सी खटाई भी डाल सकते हैं, नींबू भी डाल सकते हैं। और इस तरह से ये हमारा पेठा तैयार हो गया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप भी बनाकर देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।